लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर स्वभाव फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना हो सफल, नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ऐसा मैसेज, ऐसा संदेश हमें मिलता है खेल जगत की दृष्टि से मेजर ध्यानचंद के खेल कैरियर और उनकी जीवन से। लेकिन आज मैं उनके नाम की व्याख्या नहीं करूंगा, मैं उनकी प्रशंसा नहीं करूंगा, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन डीएवी कॉलेज अमृतसर आज हाजिर है उनको समर्पित एक प्रोग्राम लेकर जिसका नाम है प्रेरणा। और मुझे आशा है कि आप पूरे समर्पण के साथ इस प्रोग्राम को देखेंगे, एंजॉय करेंगे। डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन डीएवी कॉलेज अमृतसर का मंच, आज इसमें एक सवाल बस दस्तूर उठ रहा है कि मेजर ध्यानचंद जी को भारत रत्न पुरस्कार क्यों नहीं? भले ही पूरे विश्व ने मेजर ध्यानचंद जी को हॉकी का जादूगर माना है, ही इज द फर्स्ट ग्लोबल हीरो ऑफ हॉकी, ये ठीक है जिस सम्मानों से उनका सेना भरा रहा, लेकिन खेल प्रेमियों को, खेल जगत से जुड़ी हस्तियों को ये बात थोड़ी सी नागवार गुजर रही है कि आखिर मेजर ध्यानचंद जी को भारत रत्न पुरस्कार क्यों दिया। याद कीजिए, भारत रत्न पुरस्कार के लिए किसी विशेष उपचारिता की जरूरत नहीं होती, लेकिन मेजर ध्यानचंद जी के संदर्भ में बहुत सी सिफारिशें पीएम साहब को भेजी गई। हैरत की बात यह है, अचंभे की बात है कि दुनिया का प्रसिद्ध तानाशाही हिटलर तो ध्यानचंद के आगे झुक गया, लेकिन हमारे देश के तानाशाहों पर इनके खेल प्रतिभा का कोई असर नहीं हुआ। मेजर ध्यानचंद से एक बड़ी गलती हुई, उनके परिवार से एक बड़ी गलती हुई कि उनका परिवार, जब मेजर ध्यानचंद किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं जुड़े, अगर वो किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े होते तो राज्यसभा में मनोनीत होते और उन्हें भी भारत रत्न मिल जाता। दुख की बात है कि देश का लेक्चर सिस्टम अभी तक उन्हें भारत रत्न नहीं दे पाया। भारत रत्न मेजर ध्यानचंद को कब मिलता है, लेकिन लोगों ने दिल से इस महान खिलाड़ी को भारत रत्न बहुत समय पहले दे दिए। फ्रेंड्स, दोस्तों, हाजरी, मेजर ध्यानचंद ने अपनी जिंदगी में एज ए प्लेयर कड़ी मेहनत मशक्कत की। चंद्रमा की रोशनी में खेलने वाला ये खिलाड़ी, रात की नींद भी इसको प्यारी नहीं थी। एड्रमाइंस में अमेरिकन पोएट हेनरी लॉन्गफेलो, द हाइट्स बाय ग्रेट मैन रीच एंड कैप्ट वर नॉट अटेन्ड बाय सडन फ्लाइट बट दे व्हाइल देयर कंपेनियंस देम वर टॉइलिंग अपवर्ड इन द नाइट। जिन लोगों ने महानता पाई है, जिन लोगों ने महानता को प्राप्त किया है, वो लोग वो थे जो रात को भी सोते थे। मेजर ध्यानचंद की सरकार ने सचिन तेंदुलकर को पुरस्कार दिया है,
हमें कोई आपत्ति नहीं, हमें कोई इतराज नहीं, लेकिन याद रखिएगा सचिन तेंदुलकर को पुरस्कार देने का एक दिन जब वो उनकी उम्र होती है, जब वो क्रिकेट के क्षेत्र में एज ए कोच एज ए प्रमोटर अपना योगदान देते हैं। आप इतिहास पढ़ के देखें, ध्यानचंद और उसके परिवार ने, अशोक जी ने देश में हॉकी खेली है, हॉकी बांध भी चलाई भी है एज ए कोच एज ए प्रमोटर। अभी सचिन तेंदुलकर के दिन नहीं थे, लेकिन सरकार ने राजनीतिक कदम देखा, राजनीतिक चश्मा लगाकर देखा। हमें लगता है कि मेजर ध्यानचंद को भारत रत्न देने से किसी सरकार का कोई फायदा होने वाला नहीं, और इसलिए मेजर ध्यानचंद को गिरफ्तार किया। लेकिन डीएवी कॉलेज अमृतसर डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ये प्रोग्राम पूरे विश्व में जाएगा एक संदेश लेकर, डीएवी कॉलेज की ओर से प्रिंसिपल डॉक्टर राजेश कुमार की ओर से, डॉक्टर यादव की ओर से, डॉक्टर विकास भारद्वाज की ओर से, प्रोफेसर मालिया की ओर से, प्रोफेसर संजय शर्मा जी की ओर से, कि ध्यानचंद को, हमारे लेजेंड को, हमारे दिग्गज खिलाड़ी को भारत रत्न पुरस्कार मिलना चाहिए। यह डीएवी कॉलेज अमृतसर की डिमांड है, ये डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन की डिमांड है।